नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और फिर से एक बार आपके सामने गेम समझिए लेकर के हाजिर है। आज गेम समझिए में सवाल मेरा होगा, जवाब आप देंगे, बिल्कुल अलग आज हम लोगों के बीच बातचीत होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में क्या होगा ये हमारी समझ से भी ऊपर की चीज़ है। हम बार बार कुछ आपके सामने रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे ही पल चीज़ें बदल जाती हैं। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा बढ़ गई है कि क्या चाचा भतीजा एक होंगे, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या चाचा भतीजा सरकार बचाने में सफल होंगे। हम दोनों चाचा भतीजा की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ दिल्ली में एक अलग नज़ारा दिखा कि बिछड़े हुए चाचा भतीजा गले मिले, तो वहीं बेंगलुरु में गले मिलकर के यहां से गए चाचा भतीजा वापस एक दूसरे से 36 का आंकड़ा लेकर के गए। जब पटना पहुंचे तो दोनों बिल्कुल चुप थे और ये चुप्पी नीतीश कुमार जब तोड़ी तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई। साफ नज़र आने लगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उंगली पकड़ करके राजनीति में तेजस्वी यादव का पदार्पण कराने वाले नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार का हाथ बीच में छोड़ दिया था 2017 में। उसके बाद से नीतीश कुमार अलग रास्ते निकल पड़े थे, लेकिन फिर उन्हें याद आई कि जिस बच्चे को राजनीति में हमने लाया था, उंगली पकड़ के सिखाया था, आज वो इस लायक हो गया है कि उनकी कुर्सी बचा सकता है। तेजस्वी यादव ने 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से नाराज होकर के फिर से तेजस्वी यादव के सामने प्रस्ताव लेकर के आए, तो उस प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने मान लिया, जबकि उस प्रस्ताव को लेकर लालू प्रसाद, जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के पुराने साथियों ने विरोध भी किया था कि नीतीश का कोई भरोसा नहीं, नीतीश से अगर दोस्ती करनी है, उनसे आगे का कोई रास्ता बनाना है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ उन्हें त्याग करना होगा और ये तेजस्वी यादव को देना होगा। तेजस्वी यादव ने तब भी यह बात नहीं मानी और नीतीश कुमार को ही अपना नेता मान करके आगे की रणनीति और राजनीति शुरू हो गई, सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद बार बार ये सवाल उठने लगा कि आखिर अब क्या होगा। ये सवाल आप तक भी आए होंगे कि 6 महीना का ये कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन वो 6 महीना 11 महीने में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजने के लिए लालू प्रसाद ने अपना सब कुछ नछावर कर दिया, बात तब भी नहीं बनी। नीतीश कुमार 2 मीटिंग में कहीं ना कहीं पिछली सीट पर बैठे रहे, बैक बेंचर बनकर के रह गए। पटना की मीटिंग को लालू प्रसाद ने हैक कर लिया, जो तेजस्वी यादव के नाराजगी का सबसे बड़ा कारण था। वो चाहते थे कि इस मीटिंग को नीतीश कुमार लीड करें और लालू प्रसाद ने ठीक उसके उलट किया, जिससे वहीं से नाराजगी और थोड़ा सा दूरी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बढ़ने लगी। नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि सिर्फ सिंबॉलिक है, और ये सारी बातें तब और ज़्यादा बिखर गई जब बेंगलोर पहुँचे सभी एक साथ, लेकिन लौटे तो दोनों के तीनों के चारों के बीच में अलग अलग तल्खियाँ थीं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार, जिनका इंतज़ार बिहार की एक एक जनता कर रही थी, हमें भी इंतज़ार था कि बेंगलोर से वापसी का नीतीश कुमार कारण क्या बताते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा कारण बताया जो बिल्कुल बचकानी लगी, राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व व्यक्ति का इतना हल्का बयान देना कि वो राजगीर के कार्यक्रम के लिए पहले चले आए थे, राजगीर का कार्यक्रम एक दिन बाद था और नीतीश कुमार उसी दिन बीच मीटिंग से उठ के चल दिए थे। अब इस बात पर कितना आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हमें तो नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में, राजगीर के कार्यक्रम में जिन लोगों को पहुंचना था, जिस विभाग का ये कार्यक्रम था, उस विभाग के मंत्री ही नदारद रहे। न तो इस मीटिंग में, इस उद्घाटन कार्यक्रम में, मलमास मेले के शुभारंभ करने में नीतीश कुमार के साथ आलोक मेहता नजर आए, और न ही उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले तेजस्वी यादव नजर आए। ये भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि तेजस्वी यादव अस्वस्थ हैं, आलोक मेहता कहीं देश से बाहर चले गए हैं, लेकिन ये सब कोई यहीं थे
नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम का उद्घाटन का इन दोनों ने बहिष्कार किया और यहाँ से नीतीश कुमार ने एक और यात्रा की शुरुआत कर दी। नीतीश कुमार राजगीर से सीधे लालू प्रसाद के पास पहुँचे, बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई और बातचीत का नतीजा जो हम तक खबरें आ रही हैं, सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि बेनतीजा रही। एक तरफ जहाँ ये सोचा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियों का विलय होगा, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर जाना पड़ा था। जब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि मेरे बाद तो इन्हीं लोगों को देखना है, अब तेजस्वी यादव और इंतजार करने के मूड में नहीं है। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार बहुत तेज हैं और राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व हैं कि वो अपनी कुर्सी के साथ किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कुर्सी उनके लिए सब कुछ है और इस कुर्सी को लेकर के जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब अगर और ज़्यादा लंबा घींचा जाएगा कुर्सी का खेल, तो तेजस्वी यादव की नाराज़गी हो सकती है और लालू प्रसाद पटना में बैठे हुए हैं, कभी भी कोई बड़ा खेल, कोई बड़ा गेम कर सकते हैं जिससे नीतीश कुमार के हाथ से कुर्सी चली जाएगी। नीतीश कुमार ने ये बात समझते ही सबसे पहले जीतन राम मांझी को उस गठबंधन से बाहर किया जिनके पास 4 सीटें थीं। अब यहाँ स्थिति बदल गई और स्थिति बदलने का कारण हुआ कि अगर आंकड़ों में आपको समझाएं तो 79 सीट जो है वो आरजेडी के पास है, 19 सीट कांग्रेस के पास है, 16 सीटें अभी जो है वो वाम दलों के पास है। इसका सीधा मतलब होता है कि सब मिलाकर के 114 सीटें होती हैं और अब जो आगे का आंकड़ा है उस आंकड़े को पूरा करने के लिए कम से कम 8 से 10 सीटों की जरूरत पड़ रही है। इन 8 सीटों को जुटाने के लिए 4 सीट अगर यदि जीतन राम मांझी का कम कर दिया जाए तो नीतीश कुमार की कुर्सी बरकरार रह सकती है और नीतीश कुमार ने ये गेम पहले ही खेल दिया, यानी कि 114 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 118 होता है और 22 पूरा करने के लिए मात्र अब 4 सीटों की ज़रूरत थी जो कहीं से तेजस्वी यादव पूरा कर सकते थे, लेकिन मामले को बीच में ही ब्रेक कर दिया नीतीश कुमार ने। ये बातें शायद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समझ गए हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार न तो 2024 और न ही 2025 में तेजस्वी यादव को कुर्सी अपने हाथ से हस्तांतरित करेंगे, क्योंकि बंगलोर में जो कुछ भी हुआ वो साफ बता रहा था कि नीतीश कुमार वो कमान लेने के लिए तैयार नहीं है और ना जिस तरह के पोस्टर लगे थे अनरिलायबल व्यक्ति का, अनरिलायबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, तो इसका सीधा मतलब था कि अब यहाँ से रास्ते बदल रहे थे। इंतजार करने का समय किसी के पास नहीं था और इस इंतजार नहीं करने वाले समय में एक बात साफ नज़र आ गई कि ये सारी चीज़ें खुल करके अब सामने आ गई। इसमें से साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक गलती तो पहले ही कर दी है, अब वो इस गलती को कितना आगे तक ले करके जाते हैं, क्योंकि आज की बैठक में तेजस्वी यादव इतने दिनों के बाद, 11 महीने के बाद पहली बार नाराज हुए हैं और उनकी नाराज़गी उस बच्चे की तरह है जिसे फुसलाने की कोशिश पिछले 11 महीना से नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन अंततः आप जानते हैं कि जब मेले में आप बच्चे को लेकर के जाते हैं, बहुत सारे खिलौनों की डिमांड करता है, उस पर जिद करता है, मिट्टी में लौटने लगता है, तो अंततः आपको थक हार करके कोई ना कोई खिलौना देना पड़ता है और ये वही वक्त है जब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के हाथ में बहुत कुछ देना होगा। यानी कि चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि भले ही चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस आपस में विलय करें या न करें, लेकिन नीतीश कुमार के पास आरजेडी में विलय करने के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर विलय नहीं करते हैं तो सरकार संकट में आएगी और तेजस्वी यादव उस संकट को आगे लेकर के चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि बीच में कभी भी चुनाव हो सकता है तो शंका और बढ़ जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी 23 में जो बचे हुए शेष महीने हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं, उसके साथ साथ बिहार में भी चुनाव हो जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी, आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप हमारी सच्ची पत्रकारिता को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।